हेलो गाइस, आज के वीडियो में हम बताने वाले हैं कि जो हमारा ओप्पो रीनो 11 प्रो 5G फ़ोन है, तो ओप्पो रीनो 11 प्रो 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर कैसे अपने फ़ोन में इनकमिंग कॉल नॉट शो स्क्रीन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कैसे कर सकते हैं, और इनकमिंग कॉल की प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर पाएंगे ओप्पो रीनो 11 5G फ़ोन की सेटिंग्स पे जाकर, और इनकमिंग कॉल की प्रॉब्लम्स को आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं ओप्पो फ़ोन में। तो आज हम बताने वाले हैं कि इनकमिंग कॉल की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कि आइकन्स हैं, शो हो रहे हैं, तो सिंपली आपको स्वाइप करना है। स्वाइप करते ही ऑल आइकन्स ओपन हो जाएंगे। ओपन होते ही फिर आपके पास में ऑप्शन आता है सेटिंग्स, क्लिक करते ही फ़ोन की सेटिंग्स से ओपन हो जाएगी, जिस पे जाकर इनकमिंग कॉल नॉट शो स्क्रीन प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते हैं फ़ोन में, और इनकमिंग कॉल की प्रॉब्लम भी आप ठीक कर सकते हैं अपने फ़ोन में। सिंपली देख सकते हैं कि आपको स्लाइड करते हुए जाना है ऐप सेटिंग्स पे, तो ऐप सेटिंग्स पे जाकर इनकमिंग कॉल की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। सिंपली स्लाइड करना है और यहाँ से ऐप मैनेजमेंट सेटिंग्स पे चले जाना है, जिसके ज़रिए इनकमिंग कॉल नॉट शो स्क्रीन प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं, और इनकमिंग कॉल की प्रॉब्लम को भी ठीक कर सकते हैं अपने फ़ोन में। जैसे इनकमिंग कॉल शो नहीं हो रही है, तो आप अपने फ़ोन में इनकमिंग कॉल की प्रॉब्लम को ठीक कर सकते हैं। स्लाइड करना है, फ़ोन आइकन्स पे जाना है, फ़ोन आइकन्स पे क्लिक कर देना है, फ़ोन आइकन सेटिंग्स आ जाएगी, स्टोरेज डाटा आपको क्लियर कर देना है। क्लियर करने के बाद आपको जाना है सीधा परमिशंस पे। तो इनकमिंग कॉल शो नहीं होते, तो आपको नोटिफिकेशन परमिशंस को अलाउ कर देना है, ऑन कर देना है, और फ़ोन परमिशंस भी ऑन ऑफ कर देना है, जिससे आपके इनकमिंग कॉल्स वगैरह हैं आपके फ़ोन की स्क्रीन पर शो करेगी और इनकमिंग कॉल्स की जो भी प्रॉब्लम्स है सॉल्व हो जाएगी। तो इस तरीके से भी इनकमिंग कॉल की प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं ओप्पो रीनो 11 5G फ़ोन में, तो आप इसका यूज़ भी कर पाएंगे। तो आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार करें।